ये वीडियो है सिलगुड़ी टू दोदिया अप्रोक्स 70 किलोमीटर ऑफ साइकिलिंग। मेरे साथ प्रिंस है, प्रिंस और हम अभी जा रहे हैं एनजेपी, और एनजेपी से साइकिल निकल के हम जाएंगे दोदिया। और ये है नौका घाट से होके मेडिकल मॉल से जाएंगे दोदिया। अहिले हामी आइपुगेको छौं यहाँ मेडिकल मोडमा, अनि अझै छ काम। और यहाँ पे हम मेडिकल मोड पे आ चुके हैं, और मेडिकल मोड पे आके थोड़ा रेस्ट करके और हमने ब्रेकफास्ट किया, अराउंड 9 या 10 बजे थे। तो दोस्तों हमारा नाश्ता वास्ता हो गया, जस्ट क्रॉस 10 किलोमीटर यहाँ पे अच्छे से ब्रेकफास्ट करके फिर हम हमारे ट्रिप के लिए तैयार हुए। धेरै गरिसक्यो र पनि मजा आउँदैछ, गाडीहरू जाँदैछ। अबि हाम आधा रास्ता त आचुके है, और भी हाम्रो डेस्टिनेसन काफी दूर है, मजा हो रहा है, स्वेट निकल रहा है, बहुत मजा आ रहा है। ये रहा हमारा ड्रिंक्स ब्रेक। तो अभी हमको आधा रास्ता और हम पहुँचना है। सो दिस इज द अपडेट फ्रॉम आवर टुडे साइक्लिंग विथ मी द प्रिंस। सो प्रिंस डूइंग दिस समथिंग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एकदम आ चुका है। तो हम भी साइकिलिंग में कर रहे हैं साइकिल। यो हो दुदिया, हम यहाँ पुगिम, यहाँ दुदिया ब्रिज। करीब 6 बजे तो पहुँचना ही, उससे आगे ही पहुँचना चाहिए। 3 घंटा में नहीं पहुँच पाएगा ना भाई, ले हमने हेल्प करे क्योंकि जाना तो थोड़ा आसान है ना। तो यहाँ बड़ा थियो, अब हम यहाँ जाना गाड़ी द्वारा। अब चाहिँ हामी हाम्रो साइकल यहाँ राखेको छौँ र खुट्टा यहाँ छ, र हाम्रो चाहिँ यहाँ हुन्छ गाइड। गाइडले हामीलाई गाइड गर्दैछ नि भाइ। तिम्रो नाम भनिदेऊ न। सहेली के हो? तामाङ गुरुङ सहेली थापा। र अब हामी चाहिँ पौडी खेल्न आँटेको छौँ यहाँनिर, कतिको गहिरो थाहा छैन तर उकालो जस्तो छ, दामी छ मौसम। प्रिंसले पौडी खेलेको थिएन रहेछ, मैले सानोमा लुकी लुकी छेउछेउको खोलाहरूतिर धेरै पौडी खेलेको, कति त डुबेको पनि, अन्त त्यहाँ मजा आयो गलेर। सो गाइस हामीले भर्खरै पौडी खेलिसक्यौँ, अन्त अब चाहिँ हामी यहाँबाट जान्छौँ। तपाईँले हामीलाई हेल्प गर्दैछ, अहिले मान्छेहरू तयार छ, प्रेस यहाँ छ। अबि यहाँ से हम रिटर्न हो रे सिलगढी, अप्रोक्स 30 से 35 किलोमीटर फार है। तो यहाँ पे हमने कुछ खा भी लिया और अच्छे से ड्रिंक करके यहाँ से हम निकल चुके हैं। और यहाँ पे ये दुदिया पहुँचने से थोड़ा आगे हमको ये सब देखा, और यहाँ पे बहुत अच्छा सा सीन था, और साइड में एक्सीडेंट भी हुआ था। और हम सिलगुड़ी पहुँच गए, और सिलगुड़ी में पहुँच के हेटेज के थोड़ा सामने हमने साइकिल रखा था, और यहाँ से हमने अच्छे से चिकन बिरयानी खा के अब हम फिर जाएंगे एनजेपी, क्योंकि हमको साइकिल उधर ड्रॉप करना है। और साइकिल ड्रॉप करके फिर हम रिटर्न होंगे अपने रूम पे। यहाँ पे अच्छे से हमने खा लिया बिरयानी, तो यहाँ से हम फिर साइकिल रख के हम जा रहे हैं रूम की तरफ। तो प्रिंस बोल रहे थे कैसा रहा हमारा एक्सपीरियंस। इसको कुछ हुआ ही नहीं, मेरा पैर जो दुख रहा है
साइकिल चलाते हुए थोड़ा दर्द कर रहा था, लेकिन अभी मैं जैसे थे वैसे ही हूँ। प्रिंस का थोड़ा सा हालत खराब हो गया है, फिर भी अभी जाके अच्छे से एक नहाएंगे और उसके बाद मस्त रील्स देखेंगे। और जो आप लोग देख रहे हैं वीडियो को शेयर मत करना, बस अच्छे से देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कुछ कमेंट कर देना, है ना? कमेंट जरूरी है।